আগামী 8ই মার্চ আসতে চলেছে বিশ্ব নারী দিবস। আর তারই আগে আজ 3রা মার্চ উদযাপিত হলো জেসওয়াল কমিউনিটির মহিলাদের নিয়ে এরকমই একটি অভিনব সমন্বয় সমিতি। গত 7 বছর ধরে নিরন্তর তারা কাজ করে গেছেন সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য। কিন্তু মহিলাদের নিয়ে কাজ করার জন্য এই অভিনব উদ্যোগ এখন নজর কেড়েছে কলকাতাবাসীর। डोनेशन के बारे में जो टॉपिक उठा, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हम लोग जैसे कि रक्तदान तो मैंने सबसे उत्तम दान है, मगर हम लोग बहुत हिचकिचाते भी हैं कि रक्तदान देंगे हम लोग। सोच में लगता है कि कितना बड़ा मेरा खून का हो जाएगा, हम दुर्बल हो जाएंगे, ये वो जो भी, मगर अगर हम दूसरे एंगल से सोचें, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तब समझ में आता है कि नहीं, ये बहुत ही मतलब किसी लाइफ सेविंग है, मतलब किसी का जान बच जाएगा, किसी को नया जीवन मिल जाएगा, इससे उत्तम दान हो ही नहीं सकता। नारी माता बहन है, नारी जग का मूल है, नारी चंडी रूप है, नारी कोमल फूल है, बिन नारी बनता नहीं एक सुखी परिवार, नारी को सम्मान दो ये उसका अधिकार। वो है न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्ट, टैरो रीडर, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग। पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, क्योंकि जब आप ये चीज जान जाएंगे ये चीज होता क्यों है, तब क्या है आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि किसी के बातों में सुन के कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग मंदिर जाते हैं भगवान के सामने, क्या करते हैं हम लोग बताइए, भगवान के सामने जाके तो क्या करते हैं, ऐसे प्रणाम करके करके चले आते हैं ना, यही करते हैं ना हम लोग सब लोग, जो मन्नत है जो कुछ है करके बस भगवान के सामने चले आते हैं। नो, ये गलत तरीका है। आपको मंदिर में भगवान के पास जाते क्यों है, क्यों बताइए आप लोग, एनीवन पावर लेने शक्ति लेने के लिए, जो भी कुछ एनर्जाइज करने के लिए, खुद में एनर्जी लाने के लिए, ऊर्जा को लाने के लिए, उसके लिए आपको आंख बंद करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग के जो भगवान है उनके आईज इतने बड़े बड़े क्यों है, किसी ने पूछा, किसी ने जानने की कोशिश की नहीं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो पॉजिटिवनेस है वो उनके आंखों से आंखों को कनेक्ट करके अपने अंदर लीजिए, इसलिए मंदिर में भगवान के आईज बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाने के बदले कुछ तो करते नहीं, जो मांगना है हम करके मांग के चले आते हैं, यही करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं। तो कोई भी चीज ना बिना जाने ना बिना सोने, मतलब बोले ना, नहीं जानना है, नहीं कुछ सोचना है, और करते ही जाना है, अपने खुद करिए, अपने बच्चों को कराइए, यही तो हो रहा है। हम लोग पूजा भी करते हैं तो क्यों करते हैं भैया, दिया काठी घंटी क्यों बजाते हैं, कभी इसके पीछे का कोई रीजन किसी ने नहीं जाना, किसी को पता है एनीवन, क्यों हम लोग करते हैं पूजा, क्यों करते हैं, आपको तो पता ही है ना कि हमारा बॉडी, हाँ इट्स ओके, घर में पॉजिटिव एनर्जी आए इसके लिए तो हम लोग करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट पॉजिटिव एनर्जी आती है कैसे आती है, जब हम लोग, आपको तो पता ही होना है ना कि हमारा बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब हाँ 5 तत्व से बना है, आकाश, धरती, वायु, अग्नि, जल, राइट, 5 चीज से बना हुआ है हमारा शरीर और ये धरती भी। तो अगर ये 5 चीज एक्टिव होगा, मतलब सही तरीके से बॉडी में हो या घर में हो कहीं पे भी हो, तो वो अपना रिजल्ट देता है। तो इसीलिए हमारे जो पहले के पूर्वज लोग थे वो लोग क्या वास्तु नहीं जानते थे, वो लोग भी वास्तु जानते थे, लेकिन वो लोग से हम लोग कभी पूछे नहीं कि इसका मतलब है क्या, भाई हम लोग क्यों करें धरती में बैठे, क्यों दीला जलाए, क्यों दुमकाठी जलाए, क्यों घंटी हिलाए, ऐसा किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा आज तक क्यों करें, नहीं ये बोला गया है, ये पैटर्न है, इसको करिए, मतलब जो परंपरा बन चुका है उसको करते चाहिए, करते चाहिए, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, मैंने भी नहीं पूछा था। मेरा नाम रजनी गुप्ता है, इसे जेसवाल कम्युनिटी सेकंड पश्चिमबंगे पश्चिम सेक्शन आते हैं। ये जेसवाल कम्युनिटी शुरू हुआ और गोल्फ का कुछ शुरू करते हैं। जेसवाल महिला क्लब पश्चिम बंगाल, इधर कुछ महीनों से यहाँ पर इसका शुरुआत हुआ है महिलाओं का, और ऐसे पूरे भारत में 2014 से जेसवाल क्लब का उद्घाटन हो चुका है, और पूरे राष्ट्र में माने हमारे भारत में 16 से 17 देशों में स्टेट में ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अभी शुरुआत हुई है और महिलाओं का संगठन बढ़ रहा है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कार्य करें,
और जसवाल महिला क्लब और जसवाल क्लब के साथ जसवाल युवा क्लब भी जुड़े हुए हैं इनके संग। और हमारा मोटिव ये है कि हम लोगों को का समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको समाप्त करना है और अच्छा अच्छा सामाजिक कार्य जैसे बच्चों के शिक्षा क्षेत्र में हम लोग कार्य करना चाहते हैं। जो जमीन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लिए कार्यशाला बनाएंगे और उनके बच्चों को शिक्षा के लिए हम लोग जितना हो सके प्रयत्न करेंगे आगे बढ़ाने का। और हम लोगों का मोटिव ये है कि हम लोग अपने समाज अपने जसवाल समाज को आगे बढ़ाएं और उसके साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और आज हम लोगों ने यहाँ पर जसवाल महिला क्लब की तरफ से एक महिला संगोष्ठी का आयोजन किया है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मेरे ख्याल से तो रोज ही महिलाओं का दिवस होना चाहिए और है भी। महिलाएं रोज अगर उठे तो दिवस का शुरुआत हो जाता है, तो ये महिला दिवस का भी यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे सब मिलकर और साथ ही साथ हम लोग मिलजुल कर जसवाल महिला क्लब को पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। बोलो अभी बोलें जो 2014 में थी अपना जो महिला क्लब शुरू हुई थी एवं सीता अपनी स्वतंत्रता शुरू करे थे সেই জায়গা থেকে জিজ্ঞেস করবো যে 2014 থেকে আজকে সমাজে কী কী পরিবর্তন আনতে পেরেছেন বলে মনে হচ্ছে। হম লোক 2014 সে জসওয়াল ক্লব কা আরম্ভ হুয়া হ্যাঁ আর জসওয়াল ক্লব মে হমারে যো মনোজ ভাইয়া হ্যাঁ বনারস মে রহতে হ্যাঁ সংস্থাপক জসওয়াল ক্লব কে ওই হ্যাঁ আর জব ভি কোই ক্লব ইয়া শুরুয়াত হোতা হ্যায় সমিতি কা তো তুরন্ত বড়তা নেই হ্যাঁ ধীরে ধীরে প্রয়াস জব ধীরে ধীরে লোক জুড়তে হ্যাঁ লোক সাথ জব সামাজিক কার্য আরম্ভ হোতা হ্যায় তবে আগে বড়তা হ্যায় তো জসওয়াল ক্লব কা শুরুয়াত হুয়া হ্যায় 2014 সে আর উসকে বাদ ধীরে ধীরে সব স্টেট মে মহিলাএঁ ভি জুড়ি হ্যায় তো জসওয়াল মহিলা ক্লব উসকে সঙ্গ জুড় গিয়া হ্যায় আর আভি পশ্চিম বঙ্গাল মে মহিলা ক্লব কা শুরুয়াত আভি জাস্ট নয়া হুয়া হ্যায় অক্টোবর মহিনে মে। আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনারা বিভিন্ন যে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় রয়েছেন তাদের জন্য যারা মাটিতে কাজ করেন সেই মহিলাদের জন্য আপনারা কাজ করছেন, তো এরকম কত কাজ আপনারা করেছেন বিগত কিছু বছরে এবং সেগুলো মানে কী কী বেনিফিট আপনারা দিতে পেরেছেন সেই মহিলাদের, মানে তাদের কাছে কি আপনারা আগে পৌঁছতে পেরেছেন এবং কীরকম প্রতিক্রিয়া পান যখন কোনো মানুষকে ভালো করেন তখন কীরকম প্রতিক্রিয়া পান? বিভিন্ন প্রান্ত স্টেট মে যে কার্য হুয়া হ্যায় तो वो कार्य बहुत अच्छे स्तर पे हुआ है और बहुत प्रोग्रेस भी है देहात में गांव में प्रोग्रेस भी है। और हमारा जो पश्चिम बंगाल है इसमें अभी नई शुरुआत हो रही है और शुरुआत हो रही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग कार्य करेंगे, हम लोग जो हमारे गांव-गांव में जाएंगे गांव-गांव में महिलाओं को लेंगे उनके बच्चों को लेंगे और यहाँ की बस्ती में मैं अभी सब बस्तियों में खोज रही हूँ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने लिखने में है या फर्स्ट आते हैं फर्स्ट बच्चों का मैं खोज कर रही हूँ उनका पढ़ाई लिखाई का पूरा भार मैं अपने जसवाल महिला क्लब की तरफ से करूँगी। अब मैं आवश्यक पूछते हुए कि छोटी बच्चों के जसवाल बेसिला का बेसिला दिन से उन्हें अच्छा संगठन तेजी करा मैंने उन रकम भावना का कहें मैंने जसवाल के अन्य रकम कई साधु देखे पाते तो बहुत आपका मन है जो इंडिया के स्पेशली भारत के महिला का अपने सिर्फ डेलीगेट के चेहरा में कार्य के बाल करने आना चाहिए कि आपका मेरे को उद्योग। देखिए महिला लोग बहुत सारे जगह में हैं बहुत कास्ट की हैं और जसवाल की महिलाएं मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही कम बाहर निकलती हैं या अपने घर में ही ज़्यादा रहती हैं। जसवाल भाई लोग बाहर निकलते हैं महिलाओं को नहीं निकालते हैं, हमारे भाई लोग निकलते हैं तो मेरा प्रयास है कि अपने माताओं बहनों को भी बाहर मैं निकालूँ जो समाज में वो भी कुछ कार्य करें। और जसवाल जब सब राज्य में अलग अलग कास्ट की महिलाएं कुछ ना कुछ कर रही हैं किसी ना किसी स्तर में जा रही हैं और समाज को अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे रही हैं तो मैं अपनी जसवाल महिलाओं को लेकर क्यों ना ऐसा कार्य करूं कि सब महिला बहनें हमारी हमारे साथ हो और समाज को और ऊंचाई पर ले जाएं। तो जसवाल महिला क्लब क्षेत्र में आपको भविष्य परिकल्पना की मैंने आपने आज के 5 वर्षों का भी इस क्लब की बात की। देखिए 5 साल तो अभी दूर है, अभी तो शुरुआत 2-3 महीने अक्टूबर पूजा के बाद ही शुरू हुआ है बंगाल में और 5 साल के अंदर मैं चाहूँगी कि हमारे एक एक एरिया में हम लोगों का एक क्लब का एक जगह रहे जिसमें हम लोग उस एरिया के बच्चों को लेकर
कुछ कार्य करें, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन में इन्वॉल्व करना, बच्चों के लिए टैलेंट शो वगैरह करा, उनका टैलेंट अगर किसी क्षेत्र में है तो हम लोग खोज निकालेंगे, उसको करेंगे। और एक एक एरिया में हमारी जैसे बहनें आई हैं, कोई मानिकल्ला है, कोई कालीकल्ला है, कोई गऊ बाजार की है, सब एरिया से यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। तो उनके एरिया में कौन से बच्चे को क्या ज़रूरत है ये हम लोग खोज निकालेंगे, और 5 साल में मेरे ख्याल से कि बदलाव तो बहुत जल्द आएगा ही। एक्चुअल कथा बोलें जिन जसवाल महिला क्लाब जो जसवाल जो कम्यूनिटी रही तरह प्रेसिडेंटर संगे उनके बोलें जो प्रांतिक जरा मानुषा रही तरह के पीछे जरा मानुषा के लिए आसे हमारे समाज सामने स्तरे नहीं आसार जो तक एक अभिनव ए रखने का प्रयास এবং আমরা চাই আমরা 24 আগস্টের তরফ থেকে তাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ক্যামেরায় দানার সাথে ভাষাটি মুখার্জি রিপোর্ট 24 আগস্ট টিভি।